सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज सीए सानिध्य सराफ, योर ऑडिट साथी, एंड अब ऑडिट होगा आसान। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं द चैप्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ड्यू डेलिजेंस एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग भी इसी चैप्टर का पार्ट है, बट दोनों का रिवीजन ऑलरेडी अपन पहले ही कर चुके हैं। उसका रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल में अवेलेबल है। कॉमन पीडीएफ नोट्स रहने वाला है तीनों चैप्टर्स के लिए, तो सेम चैप्टर है बट और तीनों के नोट्स एक साथ एक ही चैप्टर में आपको मिल जाएंगे, मगर रिवीजन वीडियोस आपका अलग अलग है। ठीक है जी, तो फटाफट चलो इन्वेस्टिगेशन का रिवीजन चालू करते हैं। रिवीजन वीडियो चालू करने से पहले आपने क्या करना है सर, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बिकॉज अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो इस चैनल में होता है क्या। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहां पे है सर ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन, कि आखिर दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो यार बहुत आसान है, देखो आपसे जब डिफरेंस पूछा जा रहा है ना, तो आप डिफरेंशिएट करो ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्टिंग, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। लॉजिकली सोचो कि ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, इन्वेस्टिगेटर कौन अपॉइंट करेगा, ऑडिट में क्या होएगा, इन्वेस्टिगेशन में क्या होएगा, ऑडिट का क्या नेचर है, इन्वेस्टिगेशन का क्या नेचर है, ऑडिट की क्या लिमिटेशंस है, इन्वेस्टिगेशन की क्या लिमिटेशंस है, और पॉइंट्स अपने आप निकलते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव, तो ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव है, रिपोर्ट करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। अब इन्वेस्टिगेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये एस्टैब्लिश करना कि कोई फैक्ट ऑकर हुआ है या नहीं हुआ है, कोई फैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, राइट, दैट इज व्हाट वी कॉल एज इन्वेस्टिगेशन। देन ऑडिट की अगर हम लोग बात करें तो ऑडिट का ना ऑब्जेक्टिव सीमित होता है कि अपने को ओपिनियन देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है। तो वहां पे जो एश्योरेंस भी दिया जाता है वो रीजनेबल एश्योरेंस होता है, जबकि इन्वेस्टिगेशन का जो स्कोप होता है ना यहाँ पे, ये वाइड होता है, राइट। इन्वेस्टिगेशन का जो स्कोप होता है यहाँ पे वाइड होता है। इन्वेस्टिगेशन का जो स्कोप होता है दैट में बी गवर्न बाय स्टैट्यूट और दैट में नॉट बी गवर्न बाय स्टैट्यूट एज वेल, दैट में नॉट बी गवर्न बाय स्टैट्यूट एज वेल, बिकॉज हो सकता है कि अपन अपनी मर्जी से भी क्या करा रहे हैं सर, इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं। और इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है टू एस्टैब्लिश ए पार्टिकुलर फैक्ट, और जो एश्योरेंस इन्वेस्टिगेशन में दिया जाता है वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस दिया जाता है, रीजनेबल एश्योरेंस नहीं दिया जाता है। इसका कारण क्या है सर, कि ऑडिट में ना कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं दैट ऑडिट सफर्स फ्रॉम, दैट वी स्टडी इन एसए 200, जबकि इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं होता है। ऑडिट जो होता है हर ईयरली होता है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है सर कि ऑडिट क्वार्टरली हो जाए, हाफ ईयरली हो जाए, इन केस ऑफ डिफरेंट ऑडिट असाइनमेंट्स, जबकि इन्वेस्टिगेशन के केस में ऐसा कोई रिजिड टाइम फ्रेम नहीं होता है। जिस भी तरीके से ऑथोरिटी चाहे इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है। उसके बाद बात करें अगर अपॉइंटिंग एजेंसी, तो ऑडिट के केस में ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट कौन करता है सर, शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी करते हैं। जबकि इन्वेस्टिगेटर की बात करें तो जो इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है, इन्वेस्टिगेटर का अपॉइंटमेंट भी वही करता है। अगर रिपोर्टिंग की बात करें तो ऑडिट के केस में क्या होगा सर, रिपोर्टिंग भी शेयर होल्डर्स को होगा, और इन्वेस्टिगेशन के केस में अपॉइंटिंग उस संस्था को होगी जिसने इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट किया था। ऑडिटिंग इज समथिंग जहां पे हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का कंप्लायंस चेक करते हैं, जबकि इन्वेस्टिगेशन इज समथिंग दैट इज मोर एनालिटिकल इन नेचर, जो क्या है सर, मोर एनालिटिकल इन नेचर है। तो बहुत आसान था ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन। अगला कॉन्सेप्ट है क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है इन्वेस्टिगेशन में। तो बहुत आसान है सर, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है इन्वेस्टिगेशन में। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आप एक इन्वेस्टिगेटर हो, आप अपना ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर लो और अपना स्कोप समझ लो। आप अपना ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर लो, अपना स्कोप समझ लो, बहुत बढ़िया बात है सर, हमने क्या कर लिया, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर लिया, अपना स्कोप भी समझ लिया, अब क्या करें। अब आप एक काम करो, बढ़िया सा इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम बनाओ। अब एक काम करो, बढ़िया सा इन्वेस्टिगेटर प्रोग्राम बनाओ। इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम भी बना लिए, यस सर हमने इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम भी बना लिया, बहुत बढ़िया बात है। अब क्या करो सर, एविडेंस कलेक्ट करो। अब क्या करो, एविडेंस कलेक्ट करो। अब अगर आप ऑडिट कर रहे होते हो तो आप ऑडिट प्रोग्राम बनाते हो और ऑडिट एविडेंस लेते हैं, और ऑडिट में जो एविडेंस आप हो वो प्राइम ऑफिसी एविडेंस लेते हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में आप जो एविडेंस लोगे वो बेस्ट एविडेंस लोगे। क्या लोगे, बेस्ट एविडेंस लोगे, क्योंकि आपका इन्वेस्टिगेशन कंक्लूसिव होना चाहिए इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज वेल। तो आप क्या करोगे, बेस्ट एविडेंस लोगे, और उसके लिए आप एक्सटर्नल पार्टीज की मदद भी ले सकते हो। बहुत बढ़िया बात है सर, आपने प्रोग्राम्स भी क्या कर लिया, आपने प्रोग्राम भी बना लिया, आपने एविडेंस भी ले लिया। अब जो भी आपकी फाइंडिंग्स आप उसे इंटरप्रेट कीजिए, आपकी जो भी फाइंडिंग्स आप उसे इंटरप्रेट कीजिए, और फाइनली क्या कीजिए सर, रिपोर्ट कीजिए। फाइनली क्या करिए सर, रिपोर्ट कीजिए। और जब आप रिपोर्ट बनाओगे ना इन्वेस्टिगेटर, तो रिपोर्ट बनाते वक्त आपने कुछ मुद्दे हैं जो दिमाग में रखने हैं। बहुत आसान है, बहुत ईजी है। बोला सर मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, अब मैंने रिपोर्ट बना लिया, अब आप बताइए प्लीज कि रिपोर्ट बनाते वक्त कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। बोला देखो, रिपोर्ट में कुछ भी बकवास नहीं होनी चाहिए, मतलब बोलते हैं ना सीधी बात नो बकवास, सीधी बात नो बकवास। रिपोर्ट शुड नॉट कंटेन एनीथिंग जो कि इररिलेवेंट है। रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो इररिलेवेंट है। बोला आप एक इन्वेस्टिगेटर है, आपके रिपोर्ट के मायने हैं, हर एक वर्ड जो आप इन्वेस्टिगेटर के रिपोर्ट में लिखने वाले हो उसका एक मायना होगा। तो आप हर वर्ड जो यूज करोगे रिपोर्ट में सोच समझ के यूज करें। आप जो भी फैक्ट्स एंड कंक्लूजन ड्रॉ करोगे उसका प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए सर। आप बिल्कुल बिना कोई एविडेंस के कोई भी बात अपने रिपोर्ट में नहीं लिखोगे। अगर आपने एज ए इन्वेस्टिगेटर कहीं भी कुछ अजम्पशन वगैरह लिखा है तो अजम्पशन के बारे में भी क्लियरली बताओगे। आपके इन्वेस्टिगेशन के स्कोप में कहीं कुछ लिमिटेशन लगाया गया था तो लिमिटेशन के बारे में भी बताओगे। तो सिंपल सिंपल बातें हैं। फिर बोला रिपोर्ट पैराग्राफ फॉर्म में होना चाहिए, रिपोर्ट पैराग्राफ फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा मत कीजिएगा कि एक के साथ एक क्लम्जी सा रिपोर्ट बना दीजिए। बोला अगर आपके स्कोप में कहीं कोई लिमिटेशन लगाया है तो आप वो भी बताओगे। और फाइनली बोला जो इन्वेस्टिगेटर का ओपिनियन होगा ना वो रिपोर्ट के फाइनल पैराग्राफ में आएगा। ठीक है ना, जो इन्वेस्टिगेटर का ओपिनियन होगा वो रिपोर्ट के फाइनल पैराग्राफ में आएगा। ओके सर, अपने को ये कॉन्सेप्ट भी बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। फिर आते हैं स्पेशल इश्यूज इन इन्वेस्टिगेशन, कि इन्वेस्टिगेशन के वक्त कुछ स्पेशल इश्यूज है जो इन्वेस्टिगेटर को इनकाउंटर करना पड़ता है। वो कौन से इश्यूज हैं, कौन से मुद्दे हैं? सर एज ए ऑडिटर मुझे पता था कि मुझे सैंपल बेसिस में काम करना है, बट एज ए इन्वेस्टिगेटर मैं कंफ्यूज हूं कि मुझे सैंपल बेसिस में काम करना है या मुझे 100% चेकिंग करनी है। तो यहाँ पे इश्यू नंबर 1, वेदर एन इन्वेस्टिगेटर इज रिक्वायर्ड टू अंडरटेक ए 100% वेरिफिकेशन अप्रोच या फिर ही कैन रिजॉल्व टू सैम्पलिंग। तो भाई बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। बोला देखो दैट विल डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न पे अराइव करना है तो आप सैंपलिंग से काम चला सकते हो, लेकिन आपने अगर कोई कैश डिफल्केशन वगैरह आइडेंटिफाई करनी है तो सर वहां पे सैंपलिंग बेसिस में काम नहीं चलेगा, वहां पे आपने 100% चेकिंग करनी होगी। दूसरा सवाल, दूसरा डिफिकल्टी जो इन्वेस्टिगेटर फेस करता है, क्या इन्वेस्टिगेटर भरोसा प्लेस कर सकता है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? तो देखो लॉजिकल सी चीज है, अपने को यह देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टिगेशन किस वजह से हो रहा है। अगर इन्वेस्टिगेशन इसी वजह से हो रहा है कि अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जेन्युइननेस पे डाउट है, तब तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि इन्वेस्टिगेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भरोसा कर सके। बट इन्वेस्टिगेशन किसी और ग्राउंड की वजह से हो रहा है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड है एंड देयर इज नथिंग टू डाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वहां पर डेफिनेटली इन्वेस्टिगेटर कैन प्लेस रिलायंस ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इसके बारे में अपने कुछ प्यारे प्यारे जजमेंट्स भी हैं जो आप एक बार रीड कर लोगे। उसके बाद अगला मुद्दा, अगला इश्यू जो इन्वेस्टिगेटर फेस करता है, क्या मुझे एक्सपर्ट के असिस्टेंस को लेने की जरूरत है? क्या मुझे एक्सपर्ट के असिस्टेंस को लेने की जरूरत है? तो दैट इज अनदर डिफिकल्टी दैट द इन्वेस्टिगेटर फेसेस। तो देखो भैया अगर आप इन्वेस्टिगेटर को हायर करोगे तो कॉस्ट आएगा और वो कॉस्ट अल्टीमेटली आप अपने पॉकेट से भर नहीं पाओगे, क्लाइंट को भरना होगा। तो क्लाइंट से बातचीत वगैरह कर लो कि क्या वो कॉस्ट भरने को तैयार है। ठीक है, अगला डिफिकल्टी, अगला मुद्दा, इन्वेस्टिगेशन आउट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स। मान लीजिए मुझे किसी पार्टी ए ने इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट किया और पार्टी ए और बी के बीच डिस्प्यूट चल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर कि भले ही पार्टी ए ने मुझे अपॉइंट किया, मैं पार्टी ए के फेवर में काम कर रहा हूं, मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर अनबायस्ड होकर काम करूंगा, राइट? और मेरा जो इन्वेस्टिगेशन रहेगा वो डिस्प्यूट के ऊपर रहेगा। उसके बाद और क्या डिफिकल्टीज है सर, और क्या स्पेशल इश्यूज है जो इन्वेस्टिगेशन के वक्त मुझे फेस करना है? कि यार मुझे ध्यान रखना है कि जब मैं ओपिनियन फॉर्म करूंगा एज ए इन्वेस्टिगेटर तो मेरे को कोई भी स्पेकुलेटिव ओपिनियन फॉर्म नहीं करना। क्या नहीं करना? कोई भी स्पेकुलेटिव ओपिनियन फॉर्म नहीं करना। मेरा जो भी ओपिनियन होगा बेस्ड ऑन फैक्ट्स होगा, फैक्ट्स के आधार पर ही मेरा ओपिनियन वहां पर रखा जाएगा। दूसरी बात, मेरे को कोई भी फ्यूचरिस्टिक ओपिनियन नहीं देना। मेरा जो ओपिनियन रहने वाला है वो प्रेजेंट में रहने वाला है। और फाइनली जो इश्यू इन्वेस्टिगेटर फेस करने वाला है कि क्या मैं वर्किंग पेपर्स मेंटेन करूं या ना करूं, Should I maintain working papers or not? तो जिस तरीके से ऑडिटर अपने वर्किंग पेपर्स मेंटेन करता था उस तरीके से इन्वेस्टिगेटर को भी अपने वर्किंग पेपर्स मेंटेन करने ही करने चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। उसके बाद आता है स्पेशल इश्यूज इन कनेक्शन विद बिजनेस इन्वेस्टिगेशन। बी वेरी वेरी केयरफुल विद द ड्राफ्टिंग ऑफ द टू क्वेश्चंस। यहां पे क्वेश्चन क्या है? स्पेशल इश्यूज इन कनेक्शन विद बिजनेस इन्वेस्टिगेशन। इसके पहले क्या था? स्पेशल इश्यूज इन इन्वेस्टिगेशन। अब क्या है? स्पेशल इश्यूज इन कनेक्शन विद बिजनेस इन्वेस्टिगेशन। और दोनों का आंसर एकदम बदल जाता है, दोनों का आंसर एकदम बदल जाता है। तो अगर हम बात करते हैं स्पेशल इश्यूज इन कनेक्शन विद बिजनेस इन्वेस्टिगेशन, तो पहले बोला अब लॉजिकल सी चीज है, बिजनेस के अंदर घुसो तो पहले ओवरऑल बिजनेस के बारे में सोचो, पहले ओवरऑल बिजनेस को स्टडी करो। अब बिजनेस में सबसे पहले अपने को मतलब होता है प्रॉफिट से, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट को देखो। क्या करो? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट को देखो, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल को देखो। और बोला स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में क्या क्या देखो? देखो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में क्या क्या देखो? बोला स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में सोचो सोचो सोचो। रेवेन्यू साइड में सबसे बड़ा क्रेडिट आइटम क्या होगा? रेवेन्यू साइड में सबसे बड़ा क्रेडिट आइटम होगा टर्नओवर। तो आप टर्नओवर को देखो। आप क्या करो सर? टर्नओवर को देखो। फिर सोचो सोचो सोचो, रेवेन्यू साइड में टर्नओवर आ गया। अब टर्नओवर क्यों आ रहा है? टर्नओवर मजदूरों की वजह से आ रहा है। अब मजदूरों को आप क्या पे कर रहे हो? वेजेस। तो वेजेस को देखो। ठीक है ना, क्या करो? वेजेस को देखो। टर्नओवर इसलिए आ रहा है क्योंकि आप क्या कर रहे हो? माल बेच रहे हो। और माल कैसे बन रहा है? मशीनों से बन रहा है। तो मशीनों में डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, मेंटेनेंस का खर्चा लग रहा है, तो डेप्रिसिएशन मेंटेनेंस को भी देखो। फिर और आपका बिजनेस क्यों ग्रो कर रहा है, टर्नओवर क्यों आ रहा है, डॉक्टर्स की वजह से आ रहा है। डॉक्टर्स को क्या पे कर रहे हो, रेम्युनरेशन पे कर रहे हो, तो रेम्युनरेशन देखो, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा देखो, और कोई भी एक्सेप्शनल नॉन रेकरिंग आइटम है तो उसको देखो। तो पी एंड एल अकाउंट को एग्जामिन करो और पी एंड एल अकाउंट में इन चीजों पर खास एग्जामिन करो, टर्नओवर, वेज स्ट्रक्चर, डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस, मैनेजर रेम्युनरेशन, रिपेयर मेंटेनेंस, एक्सेप्शनल, नॉन एक्सेप्शनल आइटम्स। ठीक है, फिर आते हैं बैलेंस शीट पे। तो पी एंड एल हो गया सर, अब बैलेंस शीट में आ जाइए। बैलेंस शीट में क्या देखो, बोला बैलेंस शीट में सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स देखो, फिर इन्वेस्टमेंट देखो, फिर इन्वेंट्री देखो, फिर ट्रेड रिसीवेबल देखो, फिर बाकी एसेट्स वगैरह देखो। एकदम सिंपल है। अब फिक्स्ड एसेट में क्या देखोगे सर, ओनरशिप देखोगे, टाइटल डीड्स देखोगे, राइट, इंपेयरमेंट चार्ज हुआ कि नहीं AS 28 के हिसाब से वो देखोगे। इन्वेस्टमेंट में क्या देखोगे, क्लासिफिकेशन देखोगे, वैल्यूएशन देखोगे, कॉस्ट देखोगे। इन्वेंट्री में क्या देखोगे, वैल्यूएशन देखोगे, अकाउंटिंग पॉलिसी देखोगे। ट्रेड रिसीवेबल में क्या देखोगे, एजिंग एनालिसिस देखोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बना है कि नहीं ठीक से वो देखोगे। मतलब बहुत आसान है, हेडिंग देखने का, 1-2 पॉइंट लिखने का। फिर अदर लिक्विड एसेट्स, फिर लायबिलिटीज में आ जाइए, टैक्सेशन में आ जाइए, कैपिटल में आ जाइए, और फिर फाइनली अदर कंसिडरेशन। बोला जब आपने टर्नओवर एसेस किया ना बिजनेस का, जब आपने टर्नओवर एसेस किया ना बिजनेस का, तो देखो भाई करंट टर्नओवर तो देखना है करंट ईयर का, फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर भी देखना है कि आगे चल के भविष्य में कितना टर्नओवर जनरेट हो सकता है। तो फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर भी देखना है, और फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर को कैसे एसेस करोगे, बोला 4 चीजें देखिए। ये देखिए ट्रेंड क्या है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, अकॉर्डिंगली एस्टिमेशन लगा दीजिए। फिर देखिए मार्केटेबिलिटी कैसी है, आप जिस मार्केट सेगमेंट में बैठे हो उसका मार्केट अवेलेबल है नहीं है, कितना मार्केट अवेलेबल है, कितना कॉम्पिटिशन है, और हमारा जो पॉलिटिकल सराउंडिंग है वो कैसा है। तो आप ट्रेंड देखिए, आप मार्केट देखिए, आप पॉलिटिकल कंडीशंस देखिए, आप कंपटीशन देखिए, आप क्या कर पाओगे, एफएमपी एसेस कर पाओगे। उसके बाद बोला कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जब आप एसेस करोगे भविष्य के लिए, तो आप किन फैक्टर्स का ध्यान दोगे। आप जब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एसेस करोगे फ्यूचर के लिए, किन फैक्टर्स का ध्यान रखोगे। तो बोला कि देखो वर्किंग कैपिटल किस पे डिपेंड करता है सर, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल। तो इसके रिगार्डिंग 2-3 पॉइंट्स हैं, आप ये देख लो कि क्या रेशियो ऑफ इन्वेंट्री टू टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है, क्या रेशियो ऑफ इन्वेंट्री टू टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है क्या। फिर आप देखो ट्रेड पेबल का पेमेंट फ्रिक्वेंटली हो रहा है क्या, ट्रेड पेबल का पेमेंट जो है फ्रिक्वेंटली हो रहा है क्या। और फिर आप ये देखो कि अगर टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है, तो उसका इफेक्ट इन्वेंट्री में क्या है, ट्रेड रिसीवेबल में क्या है, ट्रेड पेबल में क्या है। तो अगर यहां पर टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है तो उसका इफेक्ट इन्वेंट्री में क्या है, ट्रेड रिसीवेबल में क्या है, ट्रेड पेबल में क्या है। फिर आता है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन होते हैं सर। एक होता है स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन, कंपलसरी अंडर लॉ, जैसे लॉ के अंदर अलग अलग सेक्शंस हैं, सेक्शन 210, सेक्शन 212, 213, 216 ऑफ कंपनीज एक्ट, जहां इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी है। और दूसरा नॉन स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन, मतलब आप चाहो तो इन्वेस्टिगेशन करा सकते हो, जैसे कि अलग अलग एरियाज दिए, इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ ए इनकमिंग पार्टनर, इन्वेस्टिगेशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इन ए प्राइवेट कंपनी, investigation on behalf of a bank proposing to advance loan to a company, investigation of frauds, investigation on behalf of an individual or a firm proposing to buy a business, या फिर investigation in connection with review of profits oblique financial forecast। यही अपना आखिरी टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, दैट इज इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर। आप एक इनकमिंग पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के, आपको पार्टनरशिप फर्म ने ऑफर दिया है कि मिस्टर सानिध्य सराफ के हमारे फर्म के पार्टनर बनेंगे क्या। अब मैंने क्या किया है, एक इन्वेस्टिगेटर का अपॉइंट किया है और उसे बोला है कि पता लगा के बताओ कि मेरे को उस फर्म में पार्टनर बनना चाहिए का है या नहीं बनना चाहिए। तो मैं इन्वेस्टिगेटर को क्या क्या बोलूंगा, या इन्वेस्टिगेटर क्या क्या देखेगा, इन्वेस्टिगेटर देखेगा वो फर्म कैसी है, फर्म का पास्ट ग्रोथ कैसा है, फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, फर्म का क्लाइंटेल कैसा है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेटर ये देखेगा फर्म कैसी है। फिर इन्वेस्टिगेटर देखेगा उसके पार्टनर्स कैसे हैं, कि उसके पार्टनर्स कैसे हैं, पार्टनर्स का मार्केट में गुडविल वगैरह क्या है, फर्म के KMP वगैरह कौन कौन है, की मैनेजर पर्सनल वगैरह कौन कौन है। फिर फर्म देखेगा कि आखिरकार सानिध्य सराफ को ऑफर क्यों दिया जा रहा है, व्हाट दे वांट फ्रॉम सानिध्य सराफ, व्हाट इज द रीजन। और फिर देखेगा इन्वेस्टिगेटर कि अगर सानिध्य सराफ जो कैपिटल यहां पे कंट्रीब्यूट करेगा फर्म में, अगर फर्म की जगह कहीं और कंट्रीब्यूट करता तो कितने पैसे कमा लेता। और फाइनली फर्म के गुडविल वगैरह देखेगा, एंड अकॉर्डिंगली मुझे एडवाइस करेगा कि मेरे को उस फर्म को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है सर। इन्वेस्टिगेशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इन प्राइवेट कंपनीज, इसमें रिवाइज करने का कुछ भी नहीं है क्योंकि सिर्फ दो एसएफएम के मेथड्स दिए हैं, हाउ टू वैल्यू शेयर्स इन ए प्राइवेट कंपनी, एक नेटवर्थ मेथड, एक यील्ड मेथड। तो सिर्फ दो एसएफएम के मेथड्स दिए हैं, आप एक बार रीड कर लोगे। फिर बोला इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ ए बैंक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रपोजिंग टू एडवांस और लोन टू ए कंपनी। अब क्या बोला, बोला एक कंपनी बैंक के पास गया है लोन लेने, या बैंक ने आपको अपॉइंट किया है एज इन्वेस्टिगेटर कि इन्वेस्टिगेटर भाई साहब प्लीज बताइए हम इस कंपनी को लोन दें या ना दें। तो अब आप क्या देखोगे, अब आप देखोगे कि भाई कंपनी को लोन क्यों चाहिए, कंपनी को लोन क्यों चाहिए, पर्पस क्या है, पर्पस क्या है। फिर आप देखोगे कंपनी का जो मेमोरेंडम है, कंपनी का जो आर्टिकल है, क्या वो कंपनी को लोन देने की इजाजत देता है, क्या ऑथराइजेशन है क्या। फिर आप देखोगे कंपनी का औकात है क्या लोन लेने का, शेड्यूल ऑफ रिपेमेंट क्या रहेगा, वो सिक्योरिटी क्या देगा, वो सिक्योरिटी क्या देगा। फिर आप चेक करोगे कंपनी का पास रिकॉर्ड कैसा है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, पहले कंपनी ने कोई लोन एप्लीकेशन वगैरह दिया था क्या, वो रिजेक्ट तो नहीं हुआ था, रिजेक्ट हुआ था तो क्यों हुआ था। फिर आप देखोगे कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, आप इन्वेस्टिगेट करोगे प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। और प्रॉफिटेबिलिटी इन्वेस्टिगेट करने के लिए आप क्या करोगे पता है, आप खुद एक कंडेंस्ड इनकम स्टेटमेंट बनाओगे फॉर द पी एंड एल ऑफ द प्रीवियस 5 years और आप रेशियोज कंप्यूट करोगे। और आप क्या करोगे, रेशियोज कंप्यूट करोगे। सॉरी यार थोड़ी सी तबीयत खराब है तो इसलिए कुछ दिनों से रिवीजन वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया था, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कंडेंस्ड इनकम स्टेटमेंट बनाओगे पिछले 4-5 सालों का, और फिर आप क्या करोगे, रेशियोज कंप्यूट करोगे। और रेशियोज जब कंप्यूट करोगे ना सर, जब रेशियोज कंप्यूट करोगे ना तो रेशियोज में क्या कंप्यूट करने वाले हो, याद रखिएगा रेशियोज में क्या कंप्यूट करने वाले हो। आप सोचो रेशियोज में आप एक तो सेल्स के रेशियो निकालने वाले हो, एक इक्विटी के रेशियो निकालने वाले हो, एक एसेट के रेशियो निकालने वाले हो। तो सेल्स के कौन कौन से रेशियो निकालोगे, सेल्स टू एवरेज इन्वेंट्री हेड, सेल्स टू फिक्स्ड एसेट, सेल्स टू बुक डेप्थ। फिर आप इक्विटी के रेशियो निकालोगे, इक्विटी के कौन से रेशियो निकालोगे, इक्विटी टू फिक्स्ड एसेट्स, इक्विटी टू लॉन्ग टर्म लोन्स। और फिर आप एसेट्स के रेशियो निकालोगे, करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटी रेशियो, क्विक एसेट्स टू क्विक लायबिलिटी रेशियो। और फिर उसके बाद आपने पी एंड एल एग्जामिन कर ली, अब आप बैलेंस शीट एग्जामिन करोगे। बैलेंस शीट में एसेट में क्या क्या एग्जामिन करोगे, फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज। और लायबिलिटीज में क्या एग्जामिन करोगे, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो ये सारी चीजें आप एज ए इन्वेस्टिगेटर वेरीफाई करने वाले हो एंड अकॉर्डिंगली आप बैंक को एडवाइस करने वाले हो कि लोन देने का है या लोन नहीं देने का है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे सर, बैंक को एडवाइस दे दोगे। और फिर फाइनली आता है टाइप्स ऑफ फ्रॉड, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड्स। तो देखो अगर हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड्स की बात करें तो अलग अलग प्रकार के फ्रॉड्स दिए हैं, जैसे कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के थ्रू हो गया, करप्शन हो गया, फ्रॉडुलेंट एंट्रीज हो गया, सेल्स फ्रॉड हो गया, कलेक्शन फ्रॉड हो गया, एक्सपेंसेस फ्रॉड हो गया, पेरोल फ्रॉड हो गया, डाटा फ्रॉड हो गया, आईटी में फ्रॉड हो गया, दैट इज टेक्नोलॉजी फ्रॉड्स, बैंकिंग फ्रॉड्स हो गया। तो अलग अलग प्रकार के फ्रॉड्स हैं। तो अगर हम बात करें फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऐसे 240 में आप डिस्कस करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स अगेन ऐसे 240 में आप डिस्कस करते हैं। करप्शन की बात करें तो रीड करने का है, कुछ भी नहीं है, जैसे ब्राइबरी हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, फ्रॉडुलेंट एंट्रीज हो गया, सेल्स फ्रॉड हो गया, कलेक्शन फ्रॉड, एक्सपेंसेस फ्रॉड, पेरोल फ्रॉड्स, डाटा फ्रॉड्स, टेक्नोलॉजी रिलेटेड फ्रॉड्स, जो अपन ने वो ईडीपी वाला चैप्टर में पढ़ा था, जो डिजिटल ऑडिट का चैप्टर था अपन ने उसमें पढ़ा था। उसके बाद बैंकिंग फ्रॉड्स हो गया। तो एक बार आप रीड कर लोगे, ज्यादा कुछ काम का नहीं है। फिर देखना फ्रॉड्स अराइजिंग एट डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल्स पे फ्रॉड्स अराइज हो रहे हैं। एक हो सकता है फ्रॉड पर्सनल गेन के लिए हो, ब्राइबरी, दूसरा हो सकता है कॉर्पोरेट फ्रॉड हो, कॉर्पोरेट फ्रॉड के अंदर भी अलग अलग तरीके दिए हैं फ्रॉड्स के, एक बार रीड कर लोगे, है ना, एक बार रीड कर लोगे। एडवांस बिलिंग, तो पहले क्या कर दिया हमने, इन एंटिसिपेशन ऑफ एक्चुअल सेल्स, कंपनी के ऑफिशियल्स ने क्या कर दिया, फिक्स्चर सेल्स दिखा दिया कि अरे यार आगे चल के तो सेल्स हो ही जाएगा, तो पहले फिक्स्चर सेल्स दिखा दिया और मिस रिप्रेजेंट कर दिया रेवेन्यू। फिर डमी कंपनीज, डमी कंपनीज बनाकर क्या कर दिया, प्रॉफिट्स डाइवर्ट कर दिया, प्रॉफिट्स बचा लिया, टैक्सेस बचा लिया। फिर मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। फिर आता है फ्रॉड्स एट ऑपरेशनल लेवल, तो चेक्स टेम्पर कर दिया, ऑफलाइन फ्रॉड्स कर दिया, कैश मिस एप्रोप्रिएशन कर दिया, टीमिंग एंड लेडिंग कर दिया। बड़ा प्यारा टेक्निक होता है टीमिंग एंड लेडिंग कि मान लीजिए एक डेटर आया और डेटर ने लेटर से अपने 50,000 रुपए दे दिए। अब उस 50,000 रुपए से कैशियर ने क्या किया, ये दिखाया कि डेटर ने सिर्फ 30,000 दिए हैं और 20,000 अपने जेब में डाल दिया। अब अगली बार जो दूसरा डेटर आया उसने भी मान लीजिए उसके 50,000 ड्यू थे, 50,000 दे दिए। अब उसने ये दिखाया कि डेटर ए ने अपने 20,000 दे दिए हैं और डेटर बी ने 30,000 दिए हैं, और इस तरीके से वो अकाउंट्स को हेरफेर करता जाएगा। डेटर ए का पैसा खुद यूज कर लिया, बी का ए में दिखा दिया, सी का बी में दिखा दिया, और ये चोरी चलती जाएगी जब तक है जान। इसको बोलते हैं टीमिंग एंड लैडिंग। फिर फ्रॉडुलेंट डिसबर्समेंट हो गया, एक्सपेंसेस रीइंबर्समेंट स्कीम हो गया कि पर्सनल एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट ले लिया एम्प्लॉइज ने। पेरोल फ्रॉड्स हो गया कि फिक्चर्स एम्प्लॉइज दिखा दिए, डमी एम्प्लॉइज दिखा दिए, पेरोल कॉस्ट ज्यादा दिखा दिया। कमीशन स्कीम्स हो गया, फिक्चर सेल्स दिखाकर सेल्समैन ने क्या किया, ज्यादा कमीशन ले लिया। अब यहां पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, situations in which money may be embezzled and various forms that such frauds may take place। embezzlement in cash receipts कि कैश में embezzlement कैसे हो सकता है और एज ए ऑडिटर अपन क्या कर सकते हैं, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना, कि कैश रिसिप्ट में चोरी कैसे हो सकती है। तो बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं इम्बेजलमेंट इन कैश रिसिप्ट्स। मान लीजिए लेट अस से जो सेल है सर वो क्रेडिट सेल भी हो सकता है, कैश सेल भी हो सकता है, और कैश सेल की बात करें तो वो विद डिस्काउंट भी हो सकता है, वो विदाउट डिस्काउंट भी हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब कैशियर क्या करेगा, मान लीजिए कैश डिस्काउंट देगा 2,000 और दिखाएगा 3,000, देगा 2,000 दिखाएगा 3,000 और 1,000 रुपये अपने जेब में डाल देगा। उसके अलावा और क्या कर सकता है सर, मान लीजिए 1,00,000 रुपए का माल मिस्टर ए को बेचा कैश में और मैनेजमेंट को दिखा गया सर क्रेडिट में बेचा। 1,00,000 रुपए का माल बेचा मिस्टर ए को कैश में और मैनेजमेंट को दिखाया क्रेडिट सेल है और 1,00,000 रुपए जेब में डाल दिए, यह भी एक तरीके का एम्बेजलमेंट हो सकता है। फिर मान लीजिए थर्ड सिनारियो कि एक डेटर है जिससे 1,00,000 रुपए मिलना है, वो डेटर आता है अपना पैसा दे जाता है, बट कैशियर दिखा देता है कि वो भला डेटर जिसने पैसा दे दिया है वो तो भाग गया पैसा लेकर और वो बैड डेप्ट हो गया। ये भी एक एम्बेजलमेंट का तरीका है, ये भी क्या है सर, एम्बेजलमेंट का तरीका है। उसके बाद अगला सिनारियो एम्बेजलमेंट इन कैश रिसिप्ट्स का। मान लीजिए एबीसी कंपनी है जो कस्टमर राम को माल बेचती है 1,00,000 रुपए में और कैशियर क्या रिकॉर्ड करता है कि राम ने सिर्फ 90,000 दिए और 10,000 रुपए क्या करता है सर अपनी जेब में डाल देता है। तो वो शॉर्ट डेबिट करता है कस्टमर के अकाउंट को और 10,000 रुपए अपने जेब में डाल देता है बाय पासिंग फ्रॉडुलेंट लेजर एंट्री, तो ये अलग अलग तरीके हैं हाउ द कैश फ्रॉड एम्बेजलमेंट कैन बी डन। फिर उसके बाद मान लीजिए पार्टी ए को माल बिका 1,00,000 रुपए में, ठीक है, अब कैशियर ने यह दिखाया कि पार्टी ए ने 5,000 का सेल्स रिटर्न किया है जबकि पार्टी ए ने कोई सेल्स रिटर्न नहीं किया और इम्बजल कर दिया, और क्या कर दिया, पैसे को इम्बजल कर दिया। और अगर कैशियर होशियार होगा ना, वो क्या करेगा, जो बंदा इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स मैनेज करता है उसके साथ कॉल्यूड कर लेगा और वहां पे इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स भी एडजस्ट कर लेगा, ताकि चोरी पकड़ी ना जाए। तो अलग अलग सिचुएशंस हैं कि किस प्रकार से एम्बेजलमेंट इन कैश रिसिप्ट्स हो सकता है। एक और सिनेरियो यहां पे दिया हुआ है, मान लीजिए 5,000 रुपए का माल बिका कैश में मिस्टर ए को और मिस्टर ए ने 5,000 पूरे के पूरे रुपए दे दिए और कैशियर ने भी 5,000 रुपए का फुल रिसिप्ट दे दिया है ए को, फुल रिसिप्ट इश्यूज रिसिप्ट फॉर द फुल पेमेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है जी। लेकिन अब यहां पे बदमाशी कहां करेगा कैशियर पता है, वो काउंटर फॉइल को मैनिपुलेट करेगा, कस्टमर को तो प्रॉपर रिसिप्ट दे देगा बट वो काउंटर फॉइल को मैनिपुलेट करेगा और काउंटर फॉइल में ये दिखाएगा 4,000 रुपए ही मिले, 4,000 रुपए में ही मिले, और 4,000 रुपए की एंट्री काउंटर फॉइल में करेगा। यानी कि अब क्या होने वाला है, लेजर में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में 4,000 की एंट्री होने वाली है और 1,000 रुपए उसके जेब में। तो एक प्रकार है फ्रॉड का, एम्बेजलमेंट इन कैश रिसिप्ट्स। अब अगर आपको यह पता है ना कि एम्बेजलमेंट कैसे करना है कैश रिसिप्ट्स में, तो वेरिफिकेशन ऑफ कैश रिसिप्ट्स का एरिया आराम से खुद से कर सकते हो, रीड कर लोगे, हो जाएगा काम। कि आप कैसे वेरीफाई करोगे कैश रिसिप्ट्स को, सोचो कि अलग अलग सोर्सेस क्या है इनकम के, जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री से इनकम आ सकता है, सेल से आ सकता है, रेंट से आ सकता है। तो उन सारे एविडेंसेस को क्या करो, स्क्रूटनाइज करो। फिर आप क्या करो, कार्बन कॉपीज ऑफ रिसिप्ट्स को स्क्रूटनाइज करो, आप ये देखो कि डेली का कैश डेली बेसिस में बैंक में जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप ये देखो कि जो भी सेल्स के रिकॉर्ड है उसको प्रॉपर ढंग से मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं, और कैश सेल्स की वाउचिंग आप बढ़िया से करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। फिर इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट्स कि कैश पेमेंट्स को कैसे इन्फ्लेट किया जा सकता है, एक इनवॉइस पे डबल पेमेंट दिखा दिया, पर्सनल एक्सपेंडिचर को बिजनेस का एक्सपेंडिचर दिखा दिया, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा हो गया कि कस्टमर ने गलती से ज्यादा पे कर दिया था और फिर रिफंड नहीं मांगा, कस्टमर ने ज्यादा पे कर दिया गलती से, फिर कस्टमर ने रिफंड नहीं मांगा, तो वो जो अनक्लेम्ड क्रेडिट बैलेंस है कस्टमर का, कैशियर ने वो विड्रॉ कर लिया। कैशियर ने क्या कर लिया, वो विड्रॉ कर लिया। ये एक सिंपल सी टोटलिंग में गलती हो गई, कुछ भी हो सकता है। अब आप कैसे वेरीफाई करोगे कैश पेमेंट्स को? अब आप ये सोचो कि कैश पेमेंट्स कहां से हुई होगी और उन सब चीजों के बारे में एविडेंसेस लो। बियरर चेक से जो पेमेंट हुआ उसको अच्छे से एग्जामिन करो, बियरर चेक से जो पेमेंट हुआ उसको अच्छे से एग्जामिन करो, रिकॉर्डिंग ऑफ वेजेस का जो सिस्टम है उसको अच्छे से एग्जामिन करो, बिकॉज ज्यादातर क्या होता है कि डमी वर्कर्स को एक्चुअल वर्कर्स दिखाकर ज्यादा पेमेंट कर दिया जाता है। उसके बाद जो भी डायरेक्टर्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनसे कंफर्मेशन लो कि बुक्स में जितना पेमेंट उनको दिखाया जा रहा है क्या सचमुच उनको उतना पे किया गया है या नहीं किया गया है। तो कंफर्मेशन लीजिए पार्टनर से, डायरेक्टर से। पैटे कैश की वाउचिंग अच्छे से कीजिए। क्या कीजिए सर? पैटे कैश की वाउचिंग अच्छे से कीजिए। उसके बाद फ्रॉड में एक और कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, फ्रॉड थ्रू सप्लायर लेजर। अब कंपनी हो सकता है मैनिपुलेट कर रही हो रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट्स पेबल ऑब्लिक सप्लायर लेजर। हो सकता है कंपनी क्या कर रही हो सर? मैनिपुलेट कर रही हो रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट्स पेबल ऑब्लिक सप्लायर लेजर। एम्प्लॉय क्या कर रहा हूं? क्रिएट कर रहा हूं फिक्चर सप्लायर, एंड फिक्चर सप्लायर करके फेक इनवॉइसेस बनाकर डाइवर्ट कर रहा हो पेमेंट टू फॉल्स अकाउंट्स, डाइवर्ट कर रहा हो पेमेंट टू फॉल्स अकाउंट्स। ये एक पॉसिबिलिटी है। या फिर सप्लायर के साथ मिलकर, सप्लायर के साथ कॉल्यूड करके, ऐसा भी हो सकता है कि सप्लायर ने अपना बिल इन्फ्लेट कर दिया और एक्सेस पेमेंट सप्लायर के अकाउंट में चला गया और सप्लायर ने चुपचाप साइड से किक बैक कर दिया एक्सेस अमाउंट टू द एम्प्लॉय। सप्लायर ने क्या कर दिया? चुपचाप साइड से किक बैक कर दिया एक्सेस पेमेंट टू द एम्प्लॉय। यह भी हो सकता है, यह भी एक तरीका है सप्लायर फ्रॉड का। या फिर जो अमाउंट पेबल टू सप्लायर्स था वो सप्लायर ने क्लेम नहीं किया तो वो पैसा अपन ने विड्रॉ कर लिया, ठीक है, वो पैसा अपन ने विड्रॉ कर लिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सप्लायर ने जो क्रेडिट नोट इश्यू किया था, सप्लायर ने जो क्रेडिट नोट इश्यू किया था उस क्रेडिट नोट को अपन ने सप्रेस कर दिया, उस क्रेडिट नोट को अपन ने क्या कर लिया? सप्रेस कर लिया और अपन ने यहां पर फ्रॉड कर लिया। तो ये हो गया फ्रॉड थ्रू सप्लायर लेजर, ये हो गया फ्रॉड थ्रू सप्लायर लेजर। आप कैसे वेरीफाई करोगे बैलेंसेस ऑन सप्लायर लेजर को? तो आप अगर सप्लायर ने माल भेजा है तो गुड्स इनवर्ड रजिस्टर में एंट्री भी होगी, माल आया होगा। आप परचेज जर्नल को वेरीफाई कीजिए, आप गुड्स इनवर्ड नोट चेक कीजिए, आप देखिए माल सचमुच गोडाउन में आया है कि नहीं आया है, गुड्स इनवर्ड बुक में एंट्री चेक कीजिए। उसके बाद फ्रॉड्स थ्रू कस्टमर लेजर। कस्टमर लेजर में कैसे फ्रॉड हो सकता है? तो सर कस्टमर लेजर में सबसे पॉपुलर तरीका है फ्रॉड होने का टीमिंग एंड लेडिंग फ्रॉड। क्या है? टीमिंग एंड लेडिंग फ्रॉड। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है सर कि आपने कस्टमर से पैसा कलेक्ट किया और कस्टमर से पैसा कलेक्ट करके आपने क्या कर लिया सर? किसी और के अकाउंट को एडजस्ट कर दिया। आपने ये दिखा दिया कि कस्टमर ने ज्यादा डिस्काउंट मांग लिया था, कस्टमर को हमने कम में सेटल कर दिया और एक्सेस पैसे अपने जेब में डाल दिए। एक्सेस पैसे क्या किए सर? अपने जेब में डाल दिए। ऐसा भी हो सकता है कि पैसा आपने एक कस्टमर से रिसीव किया और आपने दूसरे कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। पैसा एक कस्टमर के अकाउंट से रिसीव किया और पैसा क्रेडिट आपने दूसरे कस्टमर के अकाउंट को कर लिया। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो एज ए ऑडिटर आपने क्या करना चाहिए, एज ए इन्वेस्टिगेटर आपने क्या करना चाहिए सर? आपने इन चीजों में स्पेशल अटेंशन देना चाहिए कि अगर मान लीजिए कस्टमर्स का बैलेंस है तो कस्टमर्स अपने को क्या करना है? कंफर्मेशन लेना है। क्या करना है? अपने को कस्टमर से कंफर्मेशन लेना है। अगर हमने दिखाया है कि गुड्स रिटर्न वगैरह हुआ है तो इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो अपने को इन चीजों में स्पेशल फोकस करना चाहिए। और फिर एक एरिया दिया हुआ अपना इन्वेंट्री फ्रॉड, कि इन्वेंट्री फ्रॉड कैसे हो सकता है। तो बोला इन्वेंट्री फ्रॉड बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका, एम्प्लॉय निकल रहा है, सिंपल सा एक इन्वेंट्री उठाया, पॉकेट में डाल के ले गया। एम्प्लॉय में सिंपली रिमूव गुड्स फ्रॉम द प्रीमाइसेस। दूसरा तरीका, अच्छे गुड्स को डैमेज गुड दिखा के इन्वेंट्री चोरी करके ले गया। थेफ्ट ऑफ गुड्स में भी कंसीडर बाय राइटिंग देम एज डैमेज्ड गुड। तीसरा तरीका, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को एम्प्लॉयज ने मैनिपुलेट कर दिया। चौथा तरीका, प्रोडक्शन हमने क्या किया? इन्फ्लेटिंग द क्वांटिटीज इशूड फॉर प्रोडक्शन, तो हमने क्वांटिटीज इन्फ्लेट करके दिखा दिया, ठीक है। और पांचवा तरीका कि माल डिस्पैच हो चुका है बट हमने सेल्स के अकाउंट में दिखाया ही नहीं, हमने डेटर के अकाउंट में दिखाया ही नहीं। तो अलग अलग तरीका हो सकता है इन्वेंट्री के फ्रॉड का, अलग अलग तरीका हो सकता है इन्वेंट्री के फ्रॉड का। और एज ए इन्वेस्टिगेटर आप क्या कर सकते हो? व्हाट इज द वेरिफिकेशन प्रोसीजर फॉर डिफल्केशन ऑफ इन्वेंट्री? तो यहां पे आप चेक कर लीजिए कुछ कॉल्यूजन वगैरह तो नहीं है। यहां पे चेक कर लो सर कॉल्यूजन वगैरह तो नहीं है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है ना, सारा पावर कहीं हमने एक ही बंदे के इंसान में तो नहीं दे दिया है, सारा पावर हमने एक ही बंदे के इंसान में तो नहीं दे दिया है। इन्वेंट्री बुक की जो टोटलिंग है वो चेक कर लीजिए। तो कोई भी 3 से 4 पॉइंट आप याद कर सकते हो, कोई भी 3 से 4 पॉइंट आप याद कर सकते हो। और फिर इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड एक टॉपिक आता है जो अपन ऐसे 240 में करते हैं। फ्रॉड के 4 डायमंड्स हैं, फ्रॉड के 4 डायमंड्स हैं। एक थ्योरी है जो डेविड टी वॉल्फ ने दिया है, जो डेविड टी वॉल्फ ने दिया है एंड डैना आर हरमेंसन ने दिया है। कि फ्रॉड के 4 डायमंड्स हैं और ये चार डायमंड्स क्या पता है? फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, जो आपने 240 में किया था, इंसेंटिव अपॉर्चुनिटी रैशनलाइजेशन, याद आया? इंसेंटिव अपॉर्चुनिटी रैशनलाइजेशन आपने 240 में किया था। खाली एक फोर्थ एलिमेंट यहां पे नया है, कैपेबिलिटी। फोर्थ एलिमेंट यहां पे नया है कैपेबिलिटी, कि सामने वाले के पास कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए फ्रॉड करने की। और उसके बाद एक आता है इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ एन इंडिविजुअल or firm proposing to buy a business, in the investigation on behalf of an individual proposing to buy a business, कि अगर एक individual है जो business खरीदना चाह रहा है, so in that particular situation क्या देखना है? अगर एक प्रोप्राइटरी कंसर्न है या पार्टनरशिप है, अगर एक प्रोप्राइटरी कंसर्न है या पार्टनरशिप है जो एक बिजनेस खरीदना चाह रहा है, तो क्या देखना है? रीजन फॉर द सेल ऑफ बिजनेस, कि भाई बिजनेस क्यों बिक रहा है, बिजनेस क्यों बिक रहा है, और वो प्रोप्राइटर के जाने के बाद बिजनेस में क्या इंपैक्ट आने वाला है, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी में क्या इंपैक्ट आने वाला है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी अपन खरीदने वाले हैं, कहीं उसका लीज पीरियड एक्सपायर तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि लॉजिकल से चीज सोच के देखो कि अगर लीज पीरियड ही एक्सपायर हो जाएगा तो भाई अपने तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो लीज पीरियड वगैरह एक्सपायर तो नहीं हो गया है। अगर पेटेंट वगैरह था वेंडर के नाम पे, तो पेटेंट वगैरह एक्सपायर तो नहीं हो गया है। जो स्टाफ है दूसरे बिजनेस का, स्टाफ की एज वगैरह क्या है, क्योंकि कल को स्टाफ को तो अपने को झेलना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ अपने को यहाँ पे देखना है। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस देख लो। और जो बिजनेस एक्वायर करने वाले हैं, अगर वो बिजनेस लिमिटेड कंपनी को बिलोंग करता है, क्या करता है सर? बिजनेस लिमिटेड कंपनी को बिलोंग करता है। पहले केस में क्या हो रहा था? इंडिविजुअल या फर्म खरीद रहा है, दूसरा बिजनेस जो कि इंडिविजुअल के बिजनेस खरीद रहा है या फर्म को ही खरीद रहा है। लेकिन दूसरे केस में क्या बोला? जो बिजनेस खरीद रहा है, वो जो बिजनेस खरीद रहे हैं अपन, दूसरा बिजनेस एक लिमिटेड कंपनी है। तो बोला ऊपर लिखे गए सारी बातें तो देखनी ही देखनी है। एडिशनली अपने को कंपनी का ऑथराइज कैपिटल भी देखना है, इश्यूड कैपिटल भी देखना है, अनकॉल्ड लायबिलिटी भी देखनी है। क्या देखना है अपने को? एडिशनली ऑथराइज कैपिटल भी देखना है, इश्यूड कैपिटल भी देखना है, अनकॉल्ड लायबिलिटी भी देखनी है, कितना डिविडेंड वगैरह पे हुआ पास्ट में वो भी देखना है, एसेट के ऊपर कुछ मॉर्गेज वगैरह तो क्रिएटेड नहीं है वो भी देखना है, और शेयर की प्राइसिंग क्या है, कितने प्राइस में कंपनी शेयर इश्यू कर रही है वो भी चेक करना है, कितने प्राइस में कंपनी सर शेयर इश्यू कर रही है अपने को वो भी देखना है। तो ओवरऑल ये सारे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो अपने को इस पार्टिकुलर चैप्टर दैट इज इन्वेस्टिगेशन में याद रखने हैं। नोट्स फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे चल के बहुत सारे रिवीजन वीडियोस आने वाले हैं, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स के रिवीजन वीडियोस अपने इस चैनल के अंदर आने वाले हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट, लव यू और टेक केयर।